डभोई से करजन को जोड़ते वैसे रोड की खस्ता हालत बनते हुए गांव लोगों द्वारा हल्की गुणवत्ता युक्त मटेरियल इस्तेमाल करने के आरोप लगाए थे। डभोई से करजन को जोड़ते वैसे रोड की कुछ ही वक्त में खस्ता हालत बन चुकी है। ऐसे में हल्की गुणवत्ता युक्त मटेरियल का इस्तेमाल करने का गांव लोगों द्वारा आरोप लगाते हुए चर्चा का विषय बना है। डभोई से कायावरण तक रास्ते में गहरे गड्ढों का निर्माण होने के बीच अब इसकी मरम्मत की लोक मांग उठी है। काफी बिस्मर बन चुके वैसे ये रोड रास्तों से वाहन चालक सहित गाँव लोगों को भी गुजरना काफी कठिन बन रहा है। जो ये रोड बनाने के सिर्फ 5 साल में ही ये रोड की ऐसी हालत बनते हुए मानो रोड पर से चारकोल ही गायब हो चुका है। बारिश में भी ये चारकोल पिघलने के बीच काफी भ्रष्टाचारी कामगिरी के दृश्य घटित हो रहे हैं। ऐसे में मिलीभगत और भ्रष्टाचारी कामगिरी के आरोप लगाते हुए गांव लोगों द्वारा जल्द से जल्द ये रोड की मरम्मत की मांग की है। मोटा बीप डबोई थी करजन रोड यहाँ कारवन सुधी ना रोड में खाड़ा बहुत मोटा मोटा पड़ गया है। तो PW ने नम्र विनती के खाड़ा वेली तके पूरो अने आ रोड पछी नवो करवा सरकार श्री ने विनती करवामां आवे छे। સુરત બોમ્બે લગીને રેતીની ગાડીઓ પછી બસો પુષ્કળ અવર જવર આ રોડ ની છે, તો તાત્કાલિક આ ખાડા પૂરી અને આ રોડ નું સમારકામ કરી અને દિવાળીએ નવા રોડનું કામ થાય એવી અમારા ગામ લોકોની માગણી છે।